अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी इंग्लिश केक है, जिसको स्पंज केक भी कहा जाता है, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान हैं, जो कि 200 ग्राम्स में हैं और 200 ml ऑयल है, जिसमें 200 ग्राम्स मैदा है, 200 ग्राम्स शुगर है, 200 ग्राम्स ऑयल है, 200 ml ऑयल है, 4 एग्स हैं, सॉल्ट 1/4 teaspoon है, 5 tablespoon मिल्क है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 teaspoon वेनिला एसेंस है। मेरे पास पाउडर है, आप लोग लिक्विड में भी 1.5 teaspoon डाल सकते हैं। केक बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। ये पैन है, जिसको मैंने पहले से डस्ट किया हुआ है ऑयल लगा के। बीटर है, स्पैचुला है जिससे हम क्लीन करेंगे। ये छन्नी है जिसमें मैं मैदे को 3 दफ़ा छानूंगी, क्योंकि मैदे को छानने से स्पंज केक बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, जिससे वो अच्छा फ्लफ होता है, बहुत अच्छा उसमें स्पंज आता है। और ये बोल है जिसमें हम बीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैदे को छानना है, तो सबसे पहले हम इसमें सारे खुश्क इन्ग्रीडियंट डाल लेंगे। ये हमारा वेनिला एसेंस है, ये हमारा सॉल्ट है, और ये हमारा बेकिंग पाउडर है। इसको हम डाल के इसको छन्नी में अच्छी तरह से 3 दफ़ा पास कर लेंगे, ताकि इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए। सबसे पहले ऑयल और एग को बीट करेंगे, एक एक करके एग डालेंगे इसमें और बीट करते जाएंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए, फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये फ्लफ़ी हो गया है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। इसको इतना फ्लफ बना दें, और मैदा डालने के बाद इसको ज़्यादा बीट नहीं करते, नहीं तो केक बहुत स्टिफ हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही इसको फ्लफ किया जाता है। अब इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको बीट करना है, फिर इसमें मिल्क मिलाएंगे। इस कंसिस्टेंसी में आ जाइए तो बस है, क्योंकि ज़्यादा हमें इसको बीट नहीं करना है। अब हम इसको सांचे में डाल के बेक करेंगे, गैस मार्क 3 पर। थोड़ा सा इसको पटक दीजिए ताकि इसके बबल्स निकल जाएं और सही बेक हो जाए। अब हम इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं 45 मिनट्स के लिए, और प्री हीट ओवन ज़रूर आप कर लीजिए ताकि आपका केक अच्छे से बेक हो जाए। अभी हम इसमें छुरी डाल के देखेंगे, कच्चा तो नहीं है। छुरी हमारी बिल्कुल साफ निकली है। अब हम इसको बस एक 5 मिनट और रखेंगे और इसको बंद कर देंगे।
केक हमारा बेक हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत कलर है। अब हम इसको कूल डाउन करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसको सांचे में से निकाल लेंगे और कलर देखें आप माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत है, और फ्लफ भी देखें आप इसका कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके स्लाइस कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इसकी मॉइस्ट नमी और मॉइस्ट देखें आप कितने हैं। कितना सॉफ्ट, ये देखें आप कितना सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत ही खुशबू आ रही है। अब हम देखें कितना सॉफ्ट है। अब हम चाय बनाएंगे और एंजॉय करेंगे इसको उसके साथ, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।